हेलो भाइयों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। भाइयों, मैं अपने ब्लॉग में, मेरा पहला ब्लॉग है, तो भाई लोग, मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में हर एक मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला मंदिर अभी मैं आप लोगों को दर्शन करवाने वाला हूँ। इस मंदिर का नाम है घोघड़ मंदिर। ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राउरकेला से थोड़ा सा आगे, और यहाँ हर सावन में बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो अभी हम आपको थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में यहाँ से निकलूँगा, तो अभी मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगा। ठीक, तो भाइयों, भाई लोग, तो हम लोग अभी घोघड़ पहुँचने वाले हैं। ये मेरा फ्रेंड है मंतोष। हाय। अभी हम लोग घोघड़ मंदिर पहुँचने वाले हैं। बस यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप लोग देख भी सकते हो। देखो, हल्का हल्का दिख रहा है, दिख रहा है। मैं अभी बस अभी वहाँ घोघड़ मंदिर के पास में आप लोगों को सामने पहुँच कर दिखाता हूँ। तो भाई लोग, मेरे और दो दोस्त आ रहे हैं पीछे। ठीक है, अब हम लोग घोघड़ मंदिर पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये जो जंगल टाइप का दिख रहा है, ये घोघड़ मंदिर का ही है। गाड़ी है, दिखा दीजिए। हाँ, देखिए, ये मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? भैरवनाथ ना, ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। ये घोघड़ मंदिर का नदी है, जहाँ पे यहाँ से जल उठाया जाता है। जल उठाने के बाद में शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है ये। तो भाई लोग, आप लोग देख सकते हैं, शिव मंदिर यही है, राउरकेला का सबसे फेमस मंदिर घोघड़ मंदिर। यहाँ आप लोग कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले राउरकेला स्टेशन से टिकट लेना, राउरकेला स्टेशन आना पड़ेगा, राउरकेला स्टेशन से। उसके बाद वहाँ से बस में बैठ करके कांसबल आना पड़ेगा। कांसबल आने के बाद में फिर आपको घोघड़ आना पड़ेगा। और आप लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं है। घोघड़ मंदिर राउरकेला में बहुत फेमस है, किसी को भी बोलने से वो आपको ले आएंगे। अंदर से बाहर से ही ये हनुमान जी हैं। सामने से, अंदर से नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अंदर से दिखाना है, मतलब अच्छा नहीं होता है भगवान को। आप लोगों को यहाँ से खुद ही दर्शन करना होगा भगवान के। ये हम लोग पीछे का दरवाजा पे जा रहे हैं। ये शिव मंदिर का तुलसी माता, यहाँ पे तुलसी माता का मंदिर है। ये तुलसी माता का मंदिर है, यार लेडीज है उसको बनाना है। यहाँ देखो, डॉगी बैठा हुआ है मंदिर के सामने। भाई लोग, ये घोघड़ मंदिर का नदी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये घोघड़ मंदिर का नदी है, आप लोग देख सकते हो। इसी जगह से जल उठता है घोघड़ मंदिर के लिए, शिव जी को चढ़ने के लिए। इसी जगह जल उठता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खाई भी है, जो तो भाई लोग, अब हम लोगों का घोघड़ मंदिर का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे आपको पूरी दिखाएंगे, पूरी के बाद हनुमान वाटिका दिखाएंगे, माँ वैष्णो देवी का मंदिर दिखाएंगे, और फिर उसके बाद में हरिद्वार और भी बहुत सारे जितने भी इंडिया में हमारे टेंपल हैं, सारे टेंपल आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, मेरा ब्लॉग में आपको यही सब मिलेगा देखने को। ये हमारे भोले बाबा शिव जी।
ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनने भी मेरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस मेरे भाई ने, वो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय भोलेनाथ।